हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पायल और आप देख रहे हैं पायल्स ग्लैम। तो विंटर की सीज़न भी आ चुकी है और इसी टाइम पे स्किन के ऊपर ड्राइनेस भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसी टाइम पे हम सबको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी मॉइस्चराइज़र की। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की रिव्यू। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ VLCC नेचुरल साइंस की हनी मॉइस्चराइज़र की। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड की बॉक्स में आपको वाइट कलर की क्यूट सी बॉटल में प्रोडक्ट मिलेगी और इसके ऊपर आपको ऐसे फ्लिप टॉप कैप दी गई है और बॉटल बहुत ही हार्ड है। आपके प्रोडक्ट कहीं से भी लीक होने का चांसेस नहीं है अगर आप इसको लेके टॉवल वगैरह करते हैं तो। और इसके अंदर आपको क्वांटिटी मिलेगा 100 ml और इसकी MRP प्राइस है 260 रुपीज़। बट अमेजोन से मैंने इसको 140 रुपीज़ में ख़रीदी थी, तो अफोर्डेबल मुझे लगता है। और ये VLCC एक हर्बल ब्रांड है, सो हर्बल ब्रांड और 140 रुपीज़ में आई थिंक प्राइस वाइज इस ओके। एंड इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी है और इसके मैंने ख़रीदी है सिर्फ इसके अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपको मिलेगा, इंग्रेडिएंट्स में है शिया बटर, हनी, सनफ्लावर सीड ऑयल, एलो लीफ, फेनोगेन सीड, वेट ग्राम। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स ड्राई स्किन का टाइप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक हर्बल ब्रांड है तो इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स भी हर्बली दिए गए हैं। तो ओवर पीरियड के बाद इसके जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ इसके काम, इस मॉइस्चराइज़र का काम सेम ही करेगा। तो ये जो मॉइस्चराइज़र है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप के लिए है। इसका और एक भी वेरिएंट आता है जो ऑयल स्किन टाइप के लिए है, बट मेरा स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, इसलिए आई परचेज दिस वन। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर क्लिनजिंग अप्लाई ऑन नेक एंड फेस विथ जेंटल अपवर्ड स्ट्रोक, यूज़ अलोन और अंडर मेकअप। तो इसको आप फेस वॉश करने के बाद, टोनर करने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं और इसको लगा के इसके ऊपर फेस, इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, ये क्लेम किया है। तो आइए आप बात कर लेते हैं रिव्यू के बारे में। तो इस जो मॉइस्चराइज़र है मैंने इसको 2 हफ्ते से भी ज़्यादा यूज़ किया है। तो यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि ये आपके जो फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है और उसके साथ साथ ये 7 से 8 घंटे आपके फेस के ऊपर आराम से रह जाता है। तो आई थिंक यही दो चीज़ हर मॉइस्चराइज़र में लोग ढूंढते हैं, तो इसके लिए मैं इसको परचेस की थी। और इसको लगाने के बाद आप इसके ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मेकअप भी अच्छे से सेट हो जाता है और ये बिल्कुल ही आपके फेस के ऊपर नॉन ग्रेजी लुक देता है। अगर आप निविया की जो ब्लू वाली जो क्रीम है वो निविया क्रीम या फिर पॉन्स का क्रीम अगर लगाते हैं चेहरे के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ऑयली ऑयली लग रही है, आपकी स्किन चाहे ड्राई हो तो बट इस मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद आपको वो ऑयलीनेस नहीं होगी। उसी के साथ 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 ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ एंड सपल भी बना देता है और ये आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो यही चीज़ों के लिए ये मॉइस्चराइज़र आई रिकमेंड यू। के अंदर आपको इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, उसी के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है और इसकी पैकेजिंग वाइज भी ये बहुत ही अच्छा है। आपका 100 ml का जो बॉटल है आपका पूरी विंटर चल जाएंगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपके कम खर्च होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट नहीं लगता है, थोड़े से ही आपके स्किन के ऊपर ये अच्छे से बैठ भी जाता है और आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट नहीं लगते, तो इसीलिए आपकी पूरी विंटर चल जाती है। और इसी के साथ साथ ये हर्बल भी है, बट बॉटल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा होता, आपके प्रोडक्ट कितना रहा है, कितना खर्च हुआ है ये देखी जाती थी, बट उसको साइड में रख के सब चीज़ में ये अच्छा है। तो आप इसको चाहे तो परचेस कर सकते हैं इस विंटर में, अगर आप कोई अच्छे हर्बल या फिर नेचुरल मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं तो। तो ओवरऑल यही थी मेरी वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। एंड अगर आपको फ्यूचर में मेरा कंटेंट देखना पसंद है और आप देखना भी चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।